Hello viewers, welcome back to my YouTube channel TL Technical Solutions. First of all, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. Done? Okay. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन. दोनों मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे. स्टैंडर्ड डिविएशन लॉन्ग मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है और शॉर्ट और कोडेड मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है. जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज. इसी डेटा का हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज एज इट इज पेंड ऑन करेंगे. एंड देन जैसा कि हमने मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट कॉलम में हम क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकालेंगे. मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका है पहले भी हम सीख चुके हैं. इन द फर्स्ट केस 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे केस में वो 37 है. सिमिलरली 30 प्लस 34 64 डिवाइडेड बाई 2 32. नेक्स्ट मिड पॉइंट या मिड वैल्यू 27. इसी तरह 20 to 24 का मिड पॉइंट 22 है. इसी तरह 15 to 19 का 17 होगा. 10 to 14 का 12 होगा. 5 to 9 का 7 होगा. मिड पॉइंट्स निकालने के बाद हम नेक्स्ट कॉलम में एफएक्स कैलकुलेट करेंगे, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड मिड पॉइंट्स. फर्स्ट केस में हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है एंड मिड पॉइंट 37 है. 5 मल्टीप्लाइड बाई 37 इज इक्वल टू 185. इसी तरह नेक्स्ट केस में 6 मल्टीप्लाइड बाई 32 इज इक्वल टू 192. नेक्स्ट 8 टाइम्स 27 इज इक्वल टू 216. 10 टाइम्स 22 इज इक्वल टू 220. 5 टाइम्स 17 इज इक्वल टू 85. नेक्स्ट केस में 4 ट्वेल्व आर 48 एंड लास्ट 2 सेवन्स आर 14. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द समिशन एफएक्स. इन सारी वैल्यूज का हम सम निकालेंगे. 185 प्लस 192 प्लस 216 प्लस 220 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 14. तो इन सब का सम करके हमारा जो समिशन एफएक्स निकल के आता है वो है 960. अब हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे. मीन विच इज डिनोटेड बाय एक्स बार इज इक्वल टू समिशन एफएक्स डिवाइडेड बाय एन. हमारे केस में समिशन एफएक्स 960 एंड एन 40 है. 960 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल 24. तो 24 इज अवर मीन. मीन निकालने के बाद नेक्स्ट कॉलम में हम डिविएशन फाइंड करेंगे. डिविएशन क्या है? मिड पॉइंट माइनस मीन, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार. फर्स्ट केस में हमारा मिड पॉइंट या एक्स जो है 37 है एंड एक्स बार 24 है. 37 माइनस 24 इज इक्वल टू 13. इसी तरह सेकेंड केस में एक्स 32 एंड मीन 24 है. 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8. इसी तरह 27 माइनस 24 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट 22 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 2. 17 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 7. 12 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 7 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 17. नाउ हमने सारी डिविएशंस कैलकुलेट कर ली है. अब नेक्स्ट कॉलम में हम इन्हीं डिविएशंस का स्क्वायर निकालेंगे. फर्स्ट केस में हमारी डिविएशन 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169. इसी तरह 8 का स्क्वायर 64. 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4. माइनस 7 का स्क्वायर 49. माइनस 12 का स्क्वायर 144 एंड माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 17 इज इक्वल टू 289. नेक्स्ट कॉलम में हम प्रोडक्ट निकालेंगे एफ एंड एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का. जो हमारे लास्ट कॉलम की वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ. फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला केस है 5 मल्टीप्लाइड बाई 169 इज इक्वल टू 845. नेक्स्ट 6 टाइम्स 64 इज इक्वल टू 384. नेक्स्ट 8 नाइन आर 72. नेक्स्ट 10 फोर आर 40. 5 मल्टीप्लाइड बाई 49 इज इक्वल टू
244 is equal to 576, and last 2 multiplied by 289 is equal to 578. Now इन सारी वैल्यूज़ का हम सम कैलकुलेट करेंगे. सुमिशन एफ इंटू स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, सम कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो है 2740. नाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन बाय यूजिंग फार्मूला. स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा, स्मॉल सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं. सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सुमिशन एफ इंटू स्क्वायर ऑफ x minus x bar divided by n, that is equal to under root summation f into square of x minus x bar is equal to 2740 divided by n, which is 40. That is equal to, pehle hum 2740 ko 40 ke saath divide kar lenge. Divide karne ke baad hamari jo value aati hai wo hai 68.5. that is equal to अंडर रूट 68.5 इज इक्वल टू 8.276. राउंड ऑफ करने के बाद वी विल गेट 8.28. दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अबव ग्रुप्ड डेटा. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन बाय यूजिंग लॉन्ग मेथड. नाउ फ्रॉम द सेम गिवन डेटा वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन बाय यूजिंग शॉर्टकट और कोडेड मेथड. इस मेथड में हम क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज को पेन डाउन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में हम एक किस्म की डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि है डिविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जिसको हम एक्स प्राइम के साथ डिनोट करते हैं. अब एक्स प्राइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एज यू नो जो मीन है वो मिड क्लास इंटरवल में मोस्टली फॉल करता है. हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 7 है. 7 में से 3 को हम ऊपर छोड़ रहे हैं, 3 को हम नीचे छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो मिडिल क्लास इंटरवल है वो है 20-24 क्लास इंटरवल. इसी क्लास इंटरवल में हमारा मीन फॉल करता है. सेकेंडली इसी क्लास इंटरवल की जो आपका मिडिल क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी. इसी क्लास इंटरवल को आपने सेलेक्ट करना है, तो इसी क्लास इंटरवल के सामने 0 लिखेंगे. एंड देन हमारे जो क्लास इंटरवल्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऊपर की तरफ हम 1, 2 and 3 लिखेंगे, एंड नीचे की तरफ -1, -2 and -3 एंड सो ऑन लिखेंगे. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ -1, -2 and -3 एंड नीचे की तरफ 1, 2 and 3. तो एक्स प्राइम कैलकुलेट करने के बाद आपने एफ एक्स प्राइम कैलकुलेट करना है. एफ एक्स प्राइम क्या है? f मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्राइम. फर्स्ट केस में f हमारा 5 है, x प्राइम 3 है, तो 5 3s are 15, इसी तरह 6 2s are 12, 8 1s are 8, 10 0s are 0. 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -5, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -8, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू -6. ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आप सुमेशन एफ एक्स प्राइम कैलकुलेट करना है. वो कैलकुलेट करने के लिए हम पॉजिटिव वैल्यूज का सम अलग निकालेंगे, जो 0 से ऊपर है. 15 + 12 + 8, दैट इज इक्वल टू 35. इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यूज का सम कैलकुलेट करेंगे, -5 + -8 + -6, दैट इज इक्वल टू -19. नाउ हम सुमेशन एफ एक्स प्राइम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू +19 + -19 = 16. सो समीशन एफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू 16. नेक्स्ट कॉलम में है प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम एंड एफ एक्स प्राइम कैलकुलेट करेंगे, जो कि है एफ एक्स प्राइम का स्क्वायर. फर्स्ट केस में एक्स प्राइम है 3 एंड एफ एक्स प्राइम 15. 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 45. इसी तरह 2 12s are 24, 1 8s are 8, 0 × 0 = 0. -1 × -5 = 5. -2 × -8 = 16. And -3 × -6 = 18. Now we are going to calculate summation fx prime square, that is equal to 116.
Now we will write formula of standard deviation, that is equal to I into root summation fx prime square divided by n minus whole square of summation fx prime divided by n. Here I is the length of the class interval, that is 5. Summation fx prime square is equal to 116 and n is equal to 40 minus summation fx prime 16 divided by n 40, that is equal to 5 root 116 divided by 40 is equal to 2.9 minus 16 divided by 40 is equal to 0.4, that is equal to 5 root 2.2 minus square of 0.4 is equal to 0.16, that is equal to 5 root 2.9 minus 0.16 is equal to 2.74. Under root 2.74 is equal to 1.65, and 5 multiplied by 1.65 is equal to 8.276, jisko round off karne ke baad hum 8.28 likh sakte hain. Hence standard deviation SD is 8.28. Now you can see dono methods se hamara jo answer hai wo same aaya hai, 8.28. These were the two methods that are used mostly to calculate the standard deviation, long method and short or coded method. As you know, we have already discussed quartile deviation and mean deviation. In the upcoming videos, we are going to discuss coefficient of correlation. We will try to calculate by using different methods. So do subscribe to our channel and click on the bell icon to get notifications of those videos. And lastly, do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.